जैन जय भारत। मैं चिरक्षर में इस समय हिसार के टीबी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जनाब, जहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है। इस समय देख सकते हैं गाड़ी का भी यहाँ पर इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है कि हर चौक पर आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी चौक पर खड़ी जरूर मिलेगी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के लिए, क्योंकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया था कि सार्वजनिक जगहों पर आप जाना आपका बैन हो सकता है, चेकिंग होगी आपकी अगर आपने वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं लगवाई, दूध का दूध और पानी का पानी वो हो ही जाएगा। इस समय फिलहाल ठीक सामने देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का भी इंतजाम किया गया, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से किए गए। लोगों में भी काफ़ी रुझान है टीकाकरण को लेकर। फिलहाल हिसार के टीबी हॉस्पिटल में मौजूद है, अंदर का भी मुआयना करवाते हैं। अगर बात करूं वैक्सीनेशन की तो हिसार के टीबी हॉस्पिटल में इस समय वैक्सीनेशन लगती हुई नजर आ रही है। जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं नवदीप गिल जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जाना। नमस्कार सर। नमस्कार जनाब। कहीं ना कहीं लोगों के अभी भी थोड़ी शंका है मन में, डाउट है कि कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मन की शंका है। वैक्सीन पूरी तरह सेफ और सुरक्षित है और बस जो माइनर इफेक्ट है जैसे कि थोड़ा बहुत बॉडी पेन होना है, फीवर होना, ये सामान्य लक्षण है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। वैक्सीन पूरी, दोनों ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह सेफ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो फिलहाल जितने भी लोग हिसारवासी खासतौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, शक्ल को अच्छी तरह देख लें, अभी तक कोरोना योद्धाओं में इनका भी नाम शुमार है। 50,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन लोगों को लगवा कर सेफली और बड़े ही सिंपल तरीके से लोगों के जो मन में डाउट था, डर था, उसको दूर करने का इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। कोरोना योद्धाओं में इनका नाम शुमार है। फिलहाल एक युवा भी मौजूद है, उनसे भी जान। भाई कैसे हो? बढ़िया सर, आप भाई युवाओं को क्या संदेश देते हो, लगवानी चाहिए या नहीं? लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है सर। एक बार मुंह दिखाई तो कर दो थोड़ी सी, देख लो भाई। फिलहाल देख सकते हैं अपना काम काज करते हुए बखूबी तौर से इस समय, जितने भी अगर कर्मचारियों की बात करूँ, अधिकारियों की बात करूँ हिसार के टीबी हॉस्पिटल में, और लोग भी देख सकते हैं दूर दराज के इलाकों से, क्योंकि अनिल विज जी का बयान आया था उसके बाद कहना कि सख्ती देखने के बाद लोगों में ही ये हुआ कि सख्ती हो चुकी है, अब तो लगवाना ही पड़ेगा। उससे पहले कहना कि थोड़ा डील मिठाई चलती हुई नजर आ रही थी काफ़ी लंबे समय से। सो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, घबराने की और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिसार के जनाब एक बार वैसे एक बता दीजिए, एड्रेस बता दें कहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है, क्या टाइमिंग है? अगर मैं टीबी हॉस्पिटल की टाइमिंग बात करूँ, टाइमिंग क्या है वैक्सीनेशन का? टीबी हॉस्पिटल में 9 से 3 बजे तक का है और जो शहर में अन्य जो जगह वैक्सीन लगती है तो रोज़ का शेड्यूल अलग अलग बनते हैं, तो उस हिसाब से ना रोस्टर शाम को हम डाल देते हैं सोशल मीडिया पे या साइट पे, तो उसमें हर वैक्सीनेशन साइट का हम शाम को पता कर सकते हैं पहले दिन। नवदीप जी एक और बताते हैं, संडे को और कोई आना चाहे तो संडे को छुट्टी होती है, खुला होता है वैसे? पहले संडे को ऑफ करते थे, लेकिन जब से अभी सरकार की कोई 1 तारीख से जो लोग हैं सोशल जगह पर नहीं जा सकते, तब से अब की बार हमने संडे को भी वैक्सीनेशन कैंप किया है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सर। सो फिलहाल जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया था कि कोरोना वैक्सीनेशन की चेकिंग होगी जनाब अब 1 जनवरी के बाद। सो लेट ना करें, देर ना करें, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं हिसारवासी, आसपास के क्षेत्रवासी, नगरवासी, सो जल्द से आसपास कहीं पर कोरोना वैक्सीनेशन लगती है तो जरूर भारी संख्या में पहुंचे और कोरोना वैक्सीनेशन को अपनाएं, क्योंकि इस महामारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम कोरोना वैक्सीनेशन को अपनाएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम हिसार के टीबी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं और अंदर की तरफ देख लें, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर अपना कार्य बखूबी तौर से करती हुई समय नजर आ रही है। सो जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें और किसी भी प्रकार से किसी को भी वैक्सीन लगवाने से झिझकना नहीं चाहिए। फिलहाल मैम मौजूद है, मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम कैसे, पहले तो बताइए। ठीक हूँ। देख सकते हैं जितने भी लोग इस समय हिसारवासी खासतौर पर देख रहे हैं, ऐसी डॉक्टरों की टीम का धन्यवाद करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि इनकी बदौलत ही इतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चल रहा है। मैम अभी लोगों का क्या रुझान है अगर बात करूँ वैक्सीन को लेकर, डर है या लगवा रहे हैं? नहीं, लगवा रहे हैं लोग, काफ़ी आ रहे हैं, अब आने शुरू हो गए हैं काफ़ी। आज भी 200 और 250 का टारगेट एक दिन में हम लगाते हैं वैक्सीन। मैम अगर बात करूँ यहाँ पर कोवैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड दोनों या वैक्सीन है? कोवैक्सीन। हाँ जी, कोवैक्सीन लग रही है इस टाइम पर हमारे पास, कोविशील्ड सिविल पे है। तो फिलहाल एक बार लाल भाई से डाल दिखा दें, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले आप आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ लाएं, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन सिस्टम में देख सकते हैं ठीक सामने, इस समय टोकन दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगेगी। सो फिलहाल जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिसार के टीवी हॉस्पिटल में देख सकते हैं नौजवान भी अपना कार्य बखूबी तौर से इस समय करते हुए नजर आ रहे, देख सकते हैं लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जो अनिल विज जी का बड़ा बयान आया था उसके चलते हुए कहना कि ये रुझान है लोगों का। ठीक सामने समय दिखा दे राहुल भाई एक बार अच्छी तरह से। सो फिलहाल लोग जितने भी देख रहे हैं लेट ना करें, हिसार के टीबी हॉस्पिटल में भी
कोवैक्सीन लगती हुई नजर आ रही है, कोविड शील्ड लगवानी है तो हिसार के सिविल हॉस्पिटल में जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से अगर कोई असुविधा भी लगती है तो भी बता सें और कुछ बढ़िया लगता है आपको तो भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें।